Afternoon guys, welcome to my channel Hardik Sumit Rai Vlogs and Think Vlog. आज पूजा मम्मा दा की है गा? Happy birthday पूजा मम्मा दा. Guys बच्चे रेडी हो गए हैं. सुनाओ पूजा मम्मा दा Happy birthday. Guys अहीं आ गए हुण विजय बेकरी ते केक पसंद कर लो जिहड़ा लेना है. होर भी समान इतों लै लें. काफ़ी दुकान दे विच समान इतने अवेलेबल हैगा. तो गाइस फाइनली बटर स्कोच केक जिहड़ा पसंद किया हैगा. हार्दिक ते रिहान ने लए है डोनट केक्स बोलदे इहनू. हार्दिक एवें भुख लगी दी सवेर का कुछ नहीं ना खाता वा चॉकलेट. गाइस पूजा ने लई एक चॉकलेट कार्ज खा लो बेटा. गाइज रिहान ते हार्दिक कहिंदे पे कि जिहड़ा केक हैगा ओह बहुत टेस्टी है. जिथे जाना ना उत्थे जाके हर एक चीज़ टेस्टी लगेगी. जो नहीं पठानकोट बाईपास ते हो गए हैं जम्मू रोड दे उत्तों. गाइज नहीं डलहौजी रोड नूं मुड़ चले हैं. बाईपास ही क्लीयर कर लिया पठानकोट वाला. गाइज आ फ्लाईओवर दे थल्लों आई डलहौजी रोड नूं मुड़न लगे हैं. तुसी मेरे ब्लॉग च कोई म्यूजिक कोई एहो जी चीज़ नहीं देखोगे. सिर्फ मैं सिंपल ब्लॉगिंग करना. नहीं तो मैं काफ़ी ब्लॉगर वेखे है वो म्यूजिक ऐड करेंगे कुछ करेंगे अपने ब्लॉग नू अट्रैक्टिव बनाएंगे. बट अपना सिंपल ही फंडा हैगा जो है वो ही विखाओ. फॉर्मैलिटी जी आर्टिफिशियल काम कोई नहीं करता है. सफ़र का भी अपना ही मज़ा. मंजिल नालों मंजिल ते पहुंचने नालों सफर का अपना आनंद एक अलग होंगे. गाइज नहीं डलहौजी रोड जो मुड़ गए इतों करीब 20-25 किलोमीटर हैगा आ जिथे जाना है. तो गाइज घूमन वास्ते पैसे की लोड़ हुंदी है नो डाउट. बट टाइम की भी लोड़ हुंदी है. तुहाडे को टाइम होना चाहिए. कई बोलणगे भी ये रोज़ ही घूमन निकल जाते इस तरह की कोई गल नहीं. टाइम हैगा सीगा चलो कन्वेंस भी दिता परमात्मा ने यूज़ करन लई. इस करके ही आ जाने घूमन. तुसी भी सारे जरूर अपना टाइम कढ के घूमन जाया करो. तो गाइज तुसी देख सकते हो मिनी गोवा पहुँच गए हैं. तुहानू सारा इत्थों दा दस दिना 30 रुपए एंट्री लई है कार पार्किंग की. तुसी रश वेख सकते हो हजे मेरे इतों तक आंदे आंदे आ जिहड़ा छोटा जिहा रस्ता इत्थे 40-50 गड्डियां रस्ते मैनूं मिलियां वापस जांदियां. ते गाइज इत्थे कार पार्किंग करन दी फैसिलिटी बहुत ज़्यादा हैगी है. जिथे तुहानूं आराम नाल जगह मिलती है उत्थे कार पार्क कर लो. गाइज फाइनली अहीं पहुँच गए मिनी गोवा. तुहानूं सारी मैं सराउंडिंग विखा दिंदा. पूजा ते रिहान सब तो पहले गाइज इत्थे आ के ना केक कटण वाला काम कर लैने क्योंकि अज्ज बर्थडे हैगा और पूजा का ही बर्थडे सैलीब्रेट करनी इतने आए हैं. तो काफ़ी इतने एक्टिविटीज है उन्होंने तो भी तुम जानू करवा दिना हूँ. गाइज इतने आन का सब तो वधिया रस्ता है पठानकोट तो तुम धार एक स्टेशन पैंदा है वह धार की पुलिस चौंकी आएगी. पुलिस चौंकी तो तुम नीचे नू टर्न हो जाना और कार अपनी लगी इतने नीचे टर्न तो होने तो बाद करीब 4.5 किलोमीटर होर नीचे आ जाना. तो तुहानू मिनी गोवा जिहड़ा वो आ प्लेस देखने मिल जाएगी. हम तुहानू लुक दिखा रहे हैं इतों की. काफ़ी लोग इतने पिकनिक वगैरह करते पे है. केक ध्यान ना कढ़ियो पुत्र. केक फड़न की ड्यूटी जी पूजा की लगा दिती हैगी है. तो बंद कर दो बस. ओ बिल्कुल अं नीचे चलते उत्थे जा केक कटते. भी एक एक्टिविटी हैगी इतने तुम वेख सकते हो. और हॉर्स राइडिंग की भी एक्टिविटी हैगी है. उन्हें जगह लभदे हैं जिते थोड़ी जी शांति हो जाके केक कटते हैं. जिते एक्टिविटी जी हैगी मैं की बोलते हैं छोटी जीप वगैरह व इलैक्ट्रिकल तो ये बारे तुम पुछ के दस दिना की रेट वगैरह चलता है. तो सराउंडिंग तुम वेख लो मिनी गोवा की काफ़ी अच्छी प्लेस हैगी है. इन्नी सोहनी जगह पर ही आए हैं. मौसम भी ठीक है गर्मियों का और जदों आ चीज़ों वाल ध्यान पैंदा है ना
तो मन जरा दुखी हो जाता कि कोई तो प्लेस चंगी रहन दवो। देखो किवें बोटल पई हुई शराब दियाँ कि कोई तो जगह ही रहन दी है साफ सुथरी इस प्लैनेट दे धरती दे उत्ते। बंदा की करता पाया इंसान नू ते समझ नहीं आती किवें समझ आएगी। इन्नी सोहनी प्लेस से भी आ गए आप गंद पारो नहीं मुड़ते है। बीयर दियाँ बोटल्स वेख सकते हो तुम बीयर दे कैन। गाइस मैं करीब दो तीन बार इतने आ चुका वा तो जो मैं पहले आता सी ना इन्ना ज़्यादा रश नहीं है इतने जिन्ना हो चुका और रश होने नाल नाल ना इतों का जोड़ा एटमोसफेयर वह भी इन्होंने गंदा कर दिता है जनता ने क्योंकि जो भी खाते पीते ना उतों चक के कोई नहीं जा रहा सारा कुछ उत्थे ही जोड़ा वह सुटिया हुआ वा। तो गाइज मिनी गोवा दे विच लोगों की तुम मैं हरकत भी दिखा रहा। देखो फैमिलीज इन्नी बैठी हुई पर नाल नाल देखो ना मन की रहा गाइज नाल पशु है जोड़े इतने वह भी चारा चार रहे है सारा तुम विखाने की कोशिश कर रहे हैं। अं इतें कितने वधिया जी प्लेस से बैठते हैं जिते बह के केक कट सकी गाइज इतने बैठ गए हैं मैं हार्दिक रिहान ते पूजा अं करांगे सैलीब्रेट बर्थडे। जिहड़ा केक वो साडा खराब हो चुकिया वा तुसीं वेख सकते हो ते हार्दिक अं केक खराब भी खा लैना ना खराब मीन टू से मेल्ट हो गया कट्टो केक हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू पूजा फाइनली केक जेड़ा उन्हें कट चुके हैं। केक कटन तो बाद हुन केक थोड़ा मेल्ट हो गया अभी उन्हें नथे छक लाँगे। चलो जी छको केक इस केक जेड़ा वो कुछ ज़्यादा ही मेल्ट हो गया कोई नहीं जिन्ना का खाना खा लो ठीक है। हाँ तो हार्दिक बोल रहा भी वह थले कुछ है लकड़ी है पुत्र वो गाइस अद्धा केक ही खाता है अद्धा भी मकाने कटिंग करो यदि गाइस केक जेड़ा ही उन्हें फिनिश कर दिता। गाइस जेड़ा फेस वगैरह मेरा फेस सारा खराब हो गया सीगा ते केक कट लिया ही बर्थडे पार्टी जेड़ी है वो ही सैलीब्रेट कर ली है बाहर आके ते हुण एक कुछ तो खावा पीवांगे जो भी खाने पीने वह भी तुहाडे नाल शेयर करांगे जरूर ते जिन्ना भी खिलारा पाया ना हार्दिक रिहान सारा चुका ही पोलथीन च पा के जाना ठीक है। बट सर बहुत लोगों ने तो गंद पाया है हूँ तो आती हुई पई है देख सकते हो फाइनली अं जो भी अपना वेस्टेज किया एक नैपकिन बहर रह गया हार्दिक अं सारा समान जोड़ा अपना कलैक्ट करके अपने पोलथीन के पा लिया इनू अं वापस घर लै जावे डस्टबिन च करा इन डिस्पोज ऑफ चलिए फिर चलिए खाना खाइए। हार्दिक नूं वेख सकते हो जिथे अग बलदी पई उहदे लागे जिहड़ा ये खलारा पाया सीगा उहनूं डिस्पोज ऑफ करन चला ओह फेंक दिता अज जिहड़ी आ प्रोपर्टी हैगी आ ना जिहड़ी पठानकोट दे विच पैंदी आ पंजाब स्टेट दे विच ते पठानकोट टूरिज़म इहनूं प्रमोट कर रहा काफ़ी बट प्रमोट करन दे नाल नाल ठीक है जिते बेनीफिट हैगा वा साढ़े पंजाब नू उहदे नाल नाल साडा भी सारिआं दा फर्ज बनदा भी इन्नी खूबसूरत जगह नू अही चाहुंदे आ भी इह लोंग टर्म चले जां इत्थे होर ज़्यादा टूरिस्ट आन ते इस नू सानू साफ सुथरा जिहड़ा उह रखना ही पैणा वा जे इहनू साफ सुथरा नहीं रखांगे ना ते फिर टूरिस्ट नहीं आणगे इत्थे। मैनू परसनली बड़ा चीप लगा क्योंकि मैं लास्ट टाइम आया सीगा तो उदों तो बहुत वधिया सीगा बट हुण दी पोजिशन जिहड़ी है ना अनफॉर्चुनेटली बड़ी मंदभागी होई है इत्थे तो इस करके मैं बार बार यही गल बोली जा रहा वा। इस सैकेंड एक्टिविटी जिहड़ी इत्थे हॉर्स राइडिंग हैगी है हॉर्स राइडिंग भी तुसीं कर सकते हो वो है छोटी वाली जीप हैगी है इलैक्ट्रिकल जीप है भी तुसीं कर सकते हो।
गाइज लोग जेडे हजे भी आ रहे है। इस जेड़ा हॉर्स राइडिंग है वो 100 रुपीज़ है, 100 रुपये का एक राउंड है। जी दूसरी वड्डी वाली सी मोटरसाइकिल टाइप चलो की बोलते मैं पता नहीं है, वो 300 रुपये का 10 मिनट ली, 10 मिनट तुम राइड कर सकते हो 300 रुपये। इतने समान रख दिता गड्डी, गर्मी काफ़ी है ना पूजा, बहुत ज़्यादा गर्मी हैगी है, मौसम तो चलो इतने इस तरह कहता है। चलो जाते जाते तुम लुक विखा दें एक बार फिर, बहुत दुनिया आई हुई है। गाइस 300 रुपये टिकट बोली थी, 300 रुपये एक बच्चे की टिकट हैगी है, पेरेंट्स नाल फ्री है ना, 10 झूले है, जिनी मर्जी है तो झूले वगैरह लाओ, कोई टाइम लिमिट भी नहीं ना, टाइम लिमिट भी नहीं कोई हैगी, भंगड़ा भुंगड़ा पाओ अंदर आके। गाइस अभी एक्चुअली नहीं जावे क्योंकि हम 6:30 हो चुके हैं ऑलरेडी, उस तरह मैं तुम अंदर का दिखा दिना, अंदर की लुक मैं तुम दिखा रहा वा। 300 रुपया टिकट हैगी है, तो एक बच्चे की पेरेंट्स नाल फ्री है, 10 झूले है मिनी गोवा दे विच, ते तुसीं आ के इंजॉय कर सकते हो अपना वधिया ढंग दे नाल। ते बहुत सारी ईटरीज हैगी है जिथों तुसीं काफ़ी कुछ खा सकते हो, इतों असीं कन्फर्म किया मैगी, तो 3-4 चीज़ा तुहानूं होर मिल जाणगियां खाण लई, और इधर ये प्रोग्राम बनया होया तुसीं अंदर जाके जिते सारा इंजॉय कर सकते हो। डस्टबीन च पाओ पुत्र, पीन भी झूल रहे हैं लोग इत्थे, और मैक्सिमम लोग जेडे अपना खाना बना के ले आए हुए ना अपनी फैमिली से नाल, इत्थे सिर्फ मैगी मिल रही है, फ्रेंच फ्राइज मिल रही है, तो या फिर समथिंग बर्गर वगैरह, इस तो अलावा इतने नॉन वेज भी मिलेगा, तो बस यही कुछ हैगा फिलहाल की घड़ी। या उधर खाना वगैरह थोड़ा बहुत मिल रहा है, राजमा चावल नान सीगा पूड़ी सी जी अंदर विखाई ना जो 300 रुपया टिकट लगती हैगी है वो वाला वो अंदर विच। चलो हूँ इतों बर्गर का इंजॉय करते हैं, हाँ त्यौहार दिख दोनों जने गए हैं पूजा का फोन लैन कार विचों। तो गाइज पठानकोट टूरिज्म की वैबसाइट पर जाके भी तुम इतों के हट्स वगैरह बुक कर सकते हो, ये भी एक तुम मैं जानकारी दे दिना क्योंकि इतने हट्स भी अवेलेबल है, कैंपिंग साइट वो उपर मैं तुम जूम करके दिखाना। गाइज आ उपर वाली साइड तो ही देख सकते हो ना, आ उपर वाली साइड से कैंपिंग अवेलेबल है, तो इतने जाके कैंप बुक करा के नाइट स्टे कर सकते है। गाइज एक गल की सच्चाई दस लगा, अभी कल रात का खाना खाधा हो सारे ने, पूजा ने भी सवेर का खाना खाधा, मैं भी नहीं खाधा, रिहान हार्दिक ने सवेरे चाह वगैरह पी ली सी, तो नाल लै लिया रस वगैरह खा ले सके, बाद सत्संग चले गए, तो बाद लस्सी पी लिया आके, लस्सी पीने तो बाद हूँ बर्गर खान लगे, कल रात का खाना खाधा हूँ कुछ खाने लगे। गाइस बर्गर तुम देख सकते हो, हार्दिक बर्गर खाओ, फाइनली हूँ इतों निकलते हैं, तो टाइम भी करीब 6:45 हो गया शाम का, इतों जाते जाते भी सानू 2.5 घंटे लगन गए, 2.5 तो 3 घंटे जाते लगन गए, तो रस्ते भी तुम मिलते हैं जो भी अं खाव पीवे तू भी जरूर दसा उस बारे। गाइज रिहान त्यौहार देखो नीचे गए है आइसक्रीम लैन वास्ते, देख सकते लोग इंजॉय करते हुए, गाइज कुछ लेके कुछ भी नहीं मिलिया, कुछ भी नहीं मिलिया, फिनिश
ਗਾਈਸ ਰਿਹਾਨ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਲੈਣ ਪਰ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਅਤੇ ਗਾਈਸ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਬੈਲੈਂਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੋਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬੈਲੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਘੁੰਮਣ ਆਏ ਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਲੈਣ ਗਏ ਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹ ਗਾਈਸ ਪੂਜਾ ਪੀਂਘ ਝੂਟ ਰਹੀ ਹੈ ਪੀਂਘ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਆ ਤੇਰਾ ਬਰਥਡੇ ਆ ਵੇਖ ਲਓ ਤੇਰਾ ਬਰਥਡੇ ਕਿੱਥੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਆ ਕੇ ਕਿਉਂ ਹਾਰਦਿਕ ਵਾਹ 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 ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੁੰਗਲ ਮਧਾਨੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸਕੂਲ ਹੈਗਾ ਨਾਲੇ ਕਾਲਜ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਹੋਟਲ ਆਰ ਕੇ ਏਜੰਸੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਡਿਨਰ ਅਤੇ ਡਿਨਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਬਟਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਇਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਲੋਨ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾ ਤਾ ਅੰਦਰ ਹਾਲ ਬਣਾ ਤਾ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਬੀਅਰ ਬਾਰ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੀ ਆ ਚਲੋ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਲੰਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਗਾਈਸ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆ ਜਾ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਰ ਹਾਂ ਗਾਈਸ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਲੋਨ ਜਾ ਕੇ ਹਾਰਦਿਕ ਵੇਖੋ ਝੂਲਿਆ ਝੂਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਆਹ ਇੱਕ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਦੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਣਾ ਛਕਾਂਗੇ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਐਂਟਰੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਐਂਟਰੀ ਹੈ ਬੀਅਰ ਬਾਰ ਅੰਦਰ ਹੈ ਅਤੇ ਆਹ ਫੈਮਿਲੀ ਹੋਲ ਆ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਲਈ ਅਤੇ ਗਾਈਸ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਰਥਡੇ ਹੈ ਪੂਜਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਚਲੋ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ ਜਿਹੜੀ ਲੇਕ ਸੀਗੀ ਪੰਗੋਟਾ ਲੇਕ ਮਿੰਨੀ ਗੋਵਾ ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਹੁਣ ਡਿਨਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣੇ ਜੋ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਖੇਡ ਲਾ ਤੂੰ ਵੀ ਅਤੇ ਗਾਈਸ ਆ ਕਾਫੀ ਖਿਡੌਣੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਹਾਰਦਿਕ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਾਈਸ ਦੋਨੇ ਜਾਣੇ ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਨਜ਼ਾਰਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਖਾਣੇ ਦੀ ਵੇਟ ਗਾਈਸ ਬਟਰ ਪਨੀਰ ਮਸਾਲਾ ਅਤੇ ਦਾਲ ਮੱਖਣੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਫੁਲਕੇ ਆ ਗਏ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਤੇ ਗਾਈਸ ਖਾਣਾ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈਗਾ ਵੈਰੀ ਟੇਸਟੀ ਪੂਜਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਖਾਣਾ ਬਹੁਤ ਟੇਸਟੀ ਹੈ ਨਾ ਹਾਰਦਿਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਾ ਬੋਟਲ ਦੇਖੋ ਬੋਟਲ ਖੋਲੀ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਜਾਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਾ ਖਾਣਾ ਬਟਰ ਨਾਨ ਪੂਜਾ ਲੈ ਲੈ ਬਟਰ ਨਾਨ ਅਤੇ ਫੁਲਕੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਮੰਗਵਾ ਲਏ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅਤੇ ਗਾਈਸ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲਿਆ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਏ 10:15 ਅਤੇ ਹਜੇ ਬਟਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਅੱਧਾ 1.25 ਘੰਟਾ ਬਟਾਲਾ ਇੱਥੋਂ ਕਰੀਬ 35 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈਗਾ ਹਾਰਦਿਕ ਖਾ ਲਿਆ ਖਾਣਾ ਚਲੋ ਫਿਰ ਚੱਲੀਏ